चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस लाल बटन को दबाएं और साथ में दबाएं इस बेल के बटन को भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है विक्रम और आप देख रहे हैं वीके मैथ यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये पार्ट सेकंड है, नाव धारा संबंधी जो क्वेश्चन है बोट एंड स्ट्रीम से उसका। पहले पार्ट में दोस्तों मैंने इसका बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर किया है। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आप वो पार्ट भी देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम इसके कुछ बेसिक एग्जाम्पल ही सीखेंगे। वैसे तो ये बेसिक ही पार्ट है इसी टॉपिक का, तो यहाँ पर दोस्तों हम कुछ बेसिक एग्जाम्पल लेने वाले हैं इस वीडियो में और उन्हें सोल्व करेंगे। जैसे समय ज्ञात करना, दूरी ज्ञात करना, दो चालें आपको मिली हुई है जैसे धारा की दिशा में और धारा की और बोट की आपको चाल मिल जाती है, तो वहां पर समय और दूरी कैसे ज्ञात करते हैं आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। और आगे आने वाले वीडियो में दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उन्हें सोल्व करना सीखते हैं। दोस्तों जो पहला एग्जाम्पल है वो कुछ इस प्रकार से है, एक तैराक की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा नदी की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नदी के अनुकूल तथा प्रतिकूल तैराक की चाल क्या होगी। यहाँ पर दोस्तों नदी या धारा कुछ भी आए एक ही बात है, यहाँ दोस्तों हमें यह शब्द याद रखना है कि अनुकूल और प्रतिकूल क्या है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट में ये क्लियर कर दिया था कि अनुकूल है जो है धारा की दिशा में और जो प्रतिकूल है वो है धारा की विपरीत दिशा में। तो यहाँ पर एक चीज है कि जब अनुकूल की बात हो रही हो या धारा की दिशा की बात हो रही हो तो वहां पर हम दोनों चालों का योग करते हैं अगर हमें चाल निकालनी हो। अब दोस्तों बात यह है प्रतिकूल की, तो जहां पर प्रतिकूल दिया जाता है या धारा की विपरीत दिशा में या प्रतिकूल दोस्तों उध्रुवीय प्रवाह है, ऐसे शब्द आते हैं, वहां पर धारा की विपरीत दिशा होगी या नदी की विपरीत दिशा होगी तो वहां पर हम चालों का घटाव करेंगे, यानी कि चालों को एक दूसरे से घटा देंगे। अब यहां पर दोस्तों हमें सबसे पहले ज्ञात करना है कि नदी के अनुकूल या धारा के अनुकूल यानी कि धारा की दिशा में उस तैराक की चाल क्या होगी। तो सीधा सा है दोस्तों, जैसे हम एक डायग्राम से समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये दिशा है, यहां से ये जो तैराक है ये जा रहा है, ठीक है, इस दिशा में, और इसी दिशा में ये नदी है ये जा रही है, तो ये जो दिशा हो गई ये नदी है और ये तैराक है, तो यहां पर जो तैराक की चाल है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और यहां पर नदी की जो चाल है वो है दोस्तों 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां पर दोस्तों हमें क्या देखना है, यहां हमें यह समझना है कि ये एक ही दिशा में है, मतलब कि अनुकूल है, ठीक है, तो यहां एक ही दिशा में हम चालों का योग करेंगे। अब दोस्तों मान लीजिए यहां विपरीत दिशाएं हो जाती है, नाविक है जो तैराक है वो दोस्तों इस दिशा में जा रहा है और नदी की जो धारा की दिशा है वो विपरीत है, ठीक है, तो यहां पर हम चालों का अंतर करेंगे। तो इस अनुकूल की तरफ हम देखें तो अनुकूल से हम दोस्तों करना चाहें इस क्वेश्चन को तो कैसे करेंगे, अगर धारा के अनुकूल है तो वहां पर इनका चालों का योग हो जाएगा, तो 6 और 4 को हम जोड़ देंगे तो ये आएंगे 10, तो इसकी चाल हो जाएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और अगर विपरीत दिशा है इसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी 4 है तो इसमें से हम घटा देंगे, तो 6 में से हम 4 निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों क्वेश्चन है जो हमें बेसिक क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर किस प्रकार से पूछे जाएंगे, जैसे मान लीजिए आपको चालें इस प्रकार से मिल जाती है तो ऐसा पूछा जाता है कि 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा जैसे तैराक है, और जैसे मान लीजिए आपको दूरी दे दी जाती है और समय पूछा जाता है कि कितना समय लगेगा इतनी दूरी तय करने में, तो ऐसे ही क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों जो नेक्स्ट आएगा थर्ड इसका पार्ट, उसमें हम सीखेंगे जैसे हमें क्वेश्चन वहां पर कैसे मिलेगा। जैसे ये तो है धारा की दिशा, ठीक है, इसमें आपको चाल मिलेगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 6 और 4 आपको नहीं दिए जाएंगे, ये हमें निकालने होंगे, और यही जो क्वेश्चन बनते हैं यही इसमें से इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक से। और वहां पर दोस्तों हमें मिलेगा धारा की दिशा में चाल और धारा की विपरीत दिशा में चाल, ठीक है, और इनमें से हमें या तो नदी की निकालनी होगी या तैराक की निकालनी होगी, तो वहां पर किस प्रकार से हम क्वेश्चन में फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। चलिए दोस्तों एक एग्जांपल और लेते हैं और उसमें हम सीखते हैं कि कितने टाइम में कितनी दूरी तय होगी अगर हमें चाल मिल जाती है। तो यहां पर दोस्तों जो एग्जांपल वो कुछ इस प्रकार से है, एक नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा नदी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की दिशा में 3 घंटे में नाव कितनी दूरी तय करेगी। यहां पर दोस्तों ऐसा भी आ सकता है धारा की दिशा में, धारा के अनुकूल, तो ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं, ऐसे शब्द आते हैं तो वहां पर धारा की दिशा होगी, अनुप्रवाह ऐसा भी आ सकता है, और विपरीत दिशा में होगा तो धारा की विपरीत दिशा में, धारा के विरुद्ध या प्रतिकूल या उध्रुवीय प्रवाह ऐसे शब्द आएंगे, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों क्वेश्चन करते समय हमें एक ही बात का ध्यान रखना है कि धारा की दिशा में है या धारा की विपरीत दिशा में। तो यहां पर दोस्तों जो नाव की चाल है वो है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, तो यहां पर हम लिख देते हैं 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहां पर दोस्तों जो नदी की चाल है या धारा की चाल है एक ही बात है, नदी या धारा, इसकी चाल है दोस्तों 8 किलोमीटर प्रति घंटा।
अब हम ज्ञात कर रहे हैं धारा की दिशा में, यानी कि धारा के अनुकूल इसकी चाल क्या होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम चाल निकालेंगे, तो चाल क्या हो जाएगी, 12 में हम 8 जोड़ देंगे, क्योंकि ये अनुकूल है धारा की दिशा में है, तो नाव का वेग बढ़ेगा। तो यहाँ पर ये जो चाल है ये हो जाएगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, बढ़ के 12 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ के 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अब दोस्तों क्वेश्चन में हमें ज्ञात करना है कि 3 घंटे में नाव कितनी दूरी तय करेगी, तो 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, अगर दूरी हमें निकालनी है तो उसके लिए दोस्तों हमें क्या चाहिए, चाल गुणा समय, ठीक है, दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुणा समय। तो यहाँ पर हम दूरी निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम भी है और चाल भी है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा चाल गुणा समय, और बराबर में अब चाल है जो है दोस्तों 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय है जो हमारे पास है 3 घंटे, तो इसका हम 3 से गुणा करा देते हैं, तो ये आ जाएगा दोस्तों 60 किलोमीटर। तो मान लीजिए आपको इस क्वेश्चन में इस प्रकार से मिलता है कि 3 घंटे में नाव है जो विपरीत दिशा में कितनी दूरी तय करेगी, अगर विपरीत दिशा है तो वहां पर हम घटा देंगे। तो अगर दोस्तों यहाँ पर मैं ये भी बता देता हूँ कि विपरीत दिशा में क्या होगा, तो इसका हम क्या करेंगे, जो हमें चालें मिली है उसे हम घटा देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों 12 में से हम 8 है जो निकाल देंगे, तो हमारी चाल आ जाएगी कितनी, 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये हमारी चाल है विपरीत दिशा में, अब टाइम है हमारे पास 3 घंटे, तो दूरी हम निकाल सकते हैं, 4 का गुणा हम 3 से करा देंगे, तो ये हो जाएगा 12 किलोमीटर। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब हम निकालना सीखेंगे कि समय अगर हमें दूरी दे दी जाती है और समय निकालना होता है तो उसे किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसे सोल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला एग्जाम्पल है वो कुछ इस प्रकार से है, एक नाव की चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की प्रतिकूल दिशा में 140 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव को कितना समय लगेगा। तो अब यहाँ पर दोस्तों हमें ज्ञात करना है उसकी प्रतिकूल दिशा में समय की 140 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा। तो सीधा से यहाँ पर दोस्तों फॉर्मूला पे बेस है ये जो मैं एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, लेकिन वहां पर हमें प्रतिकूल और अनुकूल या धारा की दिशा में या धारा की विपरीत दिशा में इन बातों का रखना है। तो यहां पर दोस्तों जो हमें दिया गया है प्रतिकूल है, ठीक है, यानी कि धारा की विपरीत दिशा या धारा के विरुद्ध, तो वहां पर हम क्या करते हैं चालों को घटा देते हैं, क्योंकि जब कोई नाव है जो धारा के विपरीत दिशा में होगी तो दोस्तों नाव का जो वेग है वो कम होगा। तो यहां पर दोस्तों हमें दिया गया है कि जो नाव की चाल है वो है 42 किलोमीटर प्रति आवर, तो यहां पर 42 किलोमीटर प्रति आवर इसकी चाल है, और यहां पर जो धारा है उसकी चाल है दोस्तों 14 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है, तो 14 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी है। अब हमें चाल निकालनी है कि चाल इसकी क्या है, चाल हमारी क्या हो जाएगी, 42 में से हम 14 है जो निकाल देंगे, ठीक है, तो यहां पर बचेंगे 28। तो यहाँ पर दोस्तों ये हमारी चाल है जो निकल के आई है 28 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें ज्ञात करना है दोस्तों समय, तो समय का फॉर्मूला होता है दोस्तों डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, तो डिस्टेंस हमारे पास क्वेश्चन में दी गई है और स्पीड हमने निकाल ली है, तो यहाँ पर डिस्टेंस है वो है दोस्तों 140 किलोमीटर, यहाँ पर दोस्तों जो स्पीड है वो है 28 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका हम इसमें भाग लगा देते हैं, तो इसका भाग इसमें जाएगा दोस्तों 5 बार, तो ये आ जाएंगे 5 घंटे, हमने टाइम निकाला है, तो 5 घंटे में 140 किलोमीटर की दूरी तय हो जाएगी अगर प्रतिकूल दिशा में नाव जाती है। अब दोस्तों उसी क्वेश्चन की तरह मान लीजिए इसमें आपको अनुकूल मिलता तो वहां पर हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए अनुकूल हमें यहां पर मिल जाता तो हम 42 में 14 जोड़ देते, ठीक है, तो जब हम इनका योग करते तो ये आते 56, अब हमारी चाल है जो ये हो जाती 56 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अगर हमें दोस्तों अब समय निकालना होता कि उसकी अनुकूल दिशा में क्या होगा, तो 140 में हम 56 का भाग लगा देते, तो यहाँ पर भाग जब हम लगाएंगे तो यहाँ इसको पहले हम छोटा कर लेते हैं, तो 14 से इसे काटेंगे, ये कटेगा 10 बार और ये कटेगा 4 बार, जब 4 का हम 10 में भाग लगाएंगे तो ये जाएगा 2.5 बार, ठीक है, यानी कि 2.5 यानी 2.5 घंटे का समय उसे लगता है दोस्तों अगर वो उसकी अनुकूल दिशा में होती, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों ऐसे जो बेसिक से क्वेश्चन है उन्हें हम सोल्व कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हम ऐसे क्वेश्चनों की जिसमें धारा की दिशा में चाल आपको मिल जाती है, धारा की विपरीत दिशा में चाल मिल जाती है और वहां पर स्थिर जल में चाल निकालनी होती है, वो मैं दोस्तों आपको आगे नेक्स्ट आने वाले वीडियो में बताऊंगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। और दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करना और आगे आने वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ में बेल का जो बटन है उसे भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं इसी के किसी नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।